आज एक ऐसे इंसान की कहानी सुनानी है जिसने 2020 में हर दिन 22 करोड़ रुपए डोनेट, जो इंसान 7904 करोड़ रुपए एक साल में डोनेट करता है, अपनी पूरी संपत्ति में से 34% और वॉपिंग 50,000 करोड़ देश को बेहतर करने के लिए देता है। सोचिए उसकी लाइफस्टाइल क्या होगी। He is Mr. Azim Premji, the most generous man of India. 24 जुलाई उनका बर्थडे है। ऐसे इंसान को लोग कंजूस बिलियनर क्यों कहते हैं? अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। विप्रो या वेस्टर्न इंडियन प्रोडक्ट सिर्फ रिफाइंड पाम ऑयल बनाती थी, लेकिन 1980s में अजीम प्रेमजी उसे लीड करने लगे और ये कंपनी IT और टेक सेक्टर में उतर गई। आज ऑलमोस्ट 2,00,000 एम्प्लॉइज के साथ विप्रो भारत का 9th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। एक ऐसी कंपनी जिसका 93% बिजनेस बाहर से भारत में आता है, यानी ट्रू सेंस में ये एक वेल्थ जनरेटिंग कंपनी। ये बड़ा शिफ्ट पॉसिबल हुआ अजीम प्रेमजी के एटीट्यूड की वजह से। और अगर उनका एटीट्यूड समझना है तो पहले उनकी गाड़ी को समझना होगा। वेट, उनकी गाड़ी को? अगर आज के किसी स्टार को पूछो कि आपकी ड्रीम कार कौन सी है तो ऐसी इमेजेस और करोड़ों के प्राइस टैग सामने आएंगे। लेकिन अजीम प्रेमजी की फेवरेट गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। उन्होंने अपनी यूथ में ये कार बहुत चलाई थी, उन्हें ये कार लकी लगती थी। साल 2000 के आसपास जब उनकी पुरानी फोर्ड गाड़ी खराब हो गई तो उन्होंने ये गाड़ी लेनी चाहिए, किसी डीलर से नहीं अपनी ही कंपनी विप्रो से। उनके एम्प्लॉयज ने कहा, सर कंपनी आपकी है, गाड़ी कंपनी के नाम पे तो गाड़ी आपकी हुई ना। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, गाड़ी कंपनी की एसेट है और मुझे इसे प्रॉपर प्रोसीजर से ही लेनी है। कंपनी की बैलेंस शीट खोली तो कार की वैल्यू जीरो हो गई थी। गाड़ी इतनी पुरानी हो गई थी कि अकाउंटेंट्स ने उसे बैलेंस शीट से भी निकाल दिया था। प्रेमजी सर ने कहा, एक काम करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं कि ये गाड़ी बेचनी है, जो प्राइस कोई बायर कोट करेगा उतनी कीमत देकर मैं ये गाड़ी ले लूंगा। इसे कहते हैं वैल्यू जिसके दम पर एक कंपनी बनती है। वो कहते हैं कि अगर विप्रो को किसी चीज ने सक्सेसफुल बनाया है तो वो है हमारे वैल्यूज। हमारा कैरेक्टर ही तो है जो हमारे एक्शंस को गाइड करता है। हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंटेग्रिटी, जो हमें डिफिकल्ट सिचुएशंस में मदद करती है। कुछ आदतों को लोग कंजूस, मिडिल क्लास, गरीब मेंटालिटी कहते हैं। छोटी छोटी बातें होती है जिन्हें सुनकर लोग ऐसा मुंह बनाते हैं, लेकिन अजीम प्रेमजी सर ने उन्हें प्राउडली अपने लाइफ का हिस्सा बनाया। फॉर एग्जाम्पल, उनके कंपनी में उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं कि जेरॉक्स या फोटोकॉपी लेते वक्त एक पन्ने के दोनों साइड यूज होने चाहिए। एक बोर्ड मीटिंग में उन्होंने देखा कि बोर्ड मेंबर्स अपनी कॉफी खत्म नहीं कर रहे थे। तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और कहा कि कॉफी के कप्स छोटे कर दो ताकि वेस्टेज कम हो। इनफैक्ट टीके क्यूरियम, जो अजीम प्रेमजी की इन्वेस्टमेंट्स देखते थे, उन्हें अचानक से एक दिन अजीम प्रेमजी ने पूछा, क्या आपको पता है हमारी कंपनी टॉयलेट पेपर पर कितना स्पेंड करती है? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें खुद ये फिगर पता था। एक कंपनी का बिग बॉस अगर कागज, कॉफी और टॉयलेट पेपर जैसे छोटे रिसोर्सेस की इतनी वैल्यू करता है, तो सोचिए वो अपने सबसे बड़े रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स यानी अपने एम्प्लॉइज की कितनी वैल्यू करता होगा। कई बार उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के हायर एजुकेशन का खर्चा उठाया। Because for him, an employee is not an expense, it's an asset which needs to be groomed. In the year 2000, एक नई enthusiastic employee विप्रो के HR department में join हुई। उन्होंने अजीम प्रेमजी सर के बर्थडे पर ऑफिस में एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की, ऑफिस को डेकोरेट किया, रिबन्स और बलून्स भी लगाए और अपने बॉस को सरप्राइज किया। लेकिन उन्हें यह सरप्राइज अच्छा नहीं लगा, उन्होंने यह सारा डेकोरेशन निकालने के लिए कहा। लेकिन उसी दिन पूरे स्टाफ के लिए अयंगर बेकरी से उनका फेवरेट दिल पसंद ऑर्डर किया। इस एटीट्यूड को कुछ लोग कंजूसी समझते हैं। सेलिब्रेशन का मतलब एक्स्ट्रावेगेंस नहीं होता, स्टेटस आपके दिखावे से नहीं आता। यही हमारा भारत, जहां एक तरफ प्लेबॉय बिलियनर्स कर्जे में डूबे होने के बावजूद लैविश पार्टीज देते हैं, फिर करोड़ों का स्कैम करके देश छोड़ के भाग जाते हैं, और दूसरी तरफ अजीम प्रेमजी सर जैसे जेम्स हैं, जो अपने बर्थडे पर पैसे तो क्या, अपनी कंपनी और अपने एम्प्लॉइज के काम का टाइम भी वेस्ट नहीं करते। लेकिन सवाल यह है कि पैसा बचाकर अजीम प्रेमजी करते क्या है? कुछ तो शौक होंगे, जरूर है। भारत के एजुकेशन सेक्टर को सुधारने का उन्हें शौक है। उनकी फाउंडेशन देश में 3,500 सरकारी स्कूल्स के साथ 15 स्टेट्स में काम करती है। स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग इंप्रूव करने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देती है। 150 ऑर्गेनाइजेशंस को 500 करोड़ डोनेट करती है। पिछले साल जब पूरा देश कोविड की वजह से सफर कर रहा था, तब बेझिझक 7,904 करोड़ देने वाले अजीम प्रेमजी ही थे जिन्होंने सबसे बड़ा डोनेशन किया और 2020 के सबसे जेनरस बिलियनर बने। तो इस वीडियो का पर्पस क्या है? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि हम सबको हमारी आधी संपत्ति डोनेट कर देनी चाहिए, एक फकीर की तरह जिंदगी जीनी चाहिए, कुछ एंजॉय नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन गया है, हैप्पीनेस को शो ऑफ से लिंक करने का ट्रेंड। आपके पैसे हैं, आप डिसाइड कीजिए कैसे खर्च करने, लेकिन खर्च ऐसी चीजों पर कीजिए जो आपके लिए वैल्यूएबल हो, दिखावे के लिए वैल्यूएबल नहीं। मेरी फेवरेट फिल्म फाइट क्लब में एक लाइन है, वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड विद द मनी दैट वी डोंट हैव टू इंप्रेस पीपल दैट वी डोंट लाइक, द थिंग्स वी ओन एंड अप ओनिंग अस। अगर आपको इस वीडियो का मैसेज समझा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मनी, स्टेटस, फेम, दे आर एक्सेलेंट सर्वेंट्स बट दे आर टेरिबल मास्टर्स, और यही अजीम प्रेमजी सर के सक्सेस का राज है। और यही सिंपल सी बात,
आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। Hey STM, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।